नमस्कार। आज हम कक्षा 8 गणित में प्रश्नावली 5.2 के सवालों को हल करेंगे। 5.2 का आइए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह को यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनमें प्राप्त अंकों को एक पाई चार्ट बनाया है। प्रश्न में दिया है पाई चार्ट, मैं आपके सामने एक पाई चार्ट बनाता हूँ। आपको पता है पाई चार्ट पूरा कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। इसमें से 40% लोग क्या है, मनोरंजन पसंद करते हैं। 40% लोग जो है वो मनोरंजक हैं, मनोरंजक। और इस प्रकार से 40% लोग मनोरंजक हैं, 20% लोग उपशास्त्रीय, 20% लोग कैसे हैं, उप शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, 10% लोग शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, 10% लोग कैसे हैं, शास्त्रीय संगीत सुनते हैं, और बाकी का जो 30% बचा वो लोक संगीत पसंद करते हैं। इस प्रकार से ये पाई चार्ट दिया है। अब इसमें 3 क्वेश्चनों को हमें हल करना है। पहले तो आप पहला प्रश्न क्रमांक पहला देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक पहला रहा ये, ठीक है, ये रहा पाई चार्ट जो मैंने आपको बोर्ड पर बनाया है, ये उसका पहला नंबर का क्वेश्चन रहा, ठीक है। उसके दूसरे और तीसरे क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। देखिए आप, इसके दूसरे और तीसरे जो प्रश्न हैं वो ये हैं, किस प्रकार का संगीत अधिक पसंद किया गया और कौन सी सीडी बनाई जाए। अब आइए, अब पहला दिया है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि 20% व्यक्ति या 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कितने लोगों का सर्वे किया गया था। यहां पर मैंने देखा कितने परसेंट लोग शास्त्रीय सीख रहे थे, 10% सीख रहे थे, यानी 20 जब है तो उसका 10 में गुना कर दो, सीधा सा आ जाएगा। फिर भी मैं व्यवस्थित करके आपको बताता हूं, व्यवस्थित करके आपको देखना है। हम लिखते हैं माना व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, एक्स है। नंबर एक को हल करते हैं, माना माना व्यक्तियों की कुल संख्या कौन सी, शास्त्रीय संगीत वालों की, व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी हो गई, एक्स हो गई, ठीक है। अब यदि हम आगे लिखें, है ना, एक्स। अब इसलिए शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वालों की संख्या, अब देखना एक्स का 10%, एक्स का 10% बराबर कितना हो रहा है, 20। यहां लिख दो एक्स गुणित 10/100 बराबर 20, ठीक है ना। क्या हो गया, ये हो गया आपका। अब यदि हम इसे हल करें, अब इसे हम हल करते हैं तो जो हो गया एक्स बराबर 20 गुणित 100/10, ठीक, और इसका 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, तो 2 का गुणा 100 में करेंगे तो आ गया 200, है ना। अतः शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले लोगों की संख्या होगी 200, यहां लिखेंगे शास्त्रीय
संगीत पसंद करने वाली संख्या कितनी हो गई। तो इस प्रकार से पहले का पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ है। अभी क्या हुआ है, पहले का पहला, आप इसको नोट कर लें। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। पहला आपने नोट कर लिया होगा, पाई चार्ट बना रहने देते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब पहले का दूसरा प्रश्न देखते हैं। आइए, पहले का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, पहले का दूसरा प्रश्न कहता है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। तो सबसे अधिक परसेंटेज कहां लिखा है, तो मनोरंजक क्या लिखेंगे, व्यक्ति द्वारा पसंद किया गया कौन सा मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया, क्योंकि 40% है। ठीक है, यहां लिखेंगे मनोरंजक संगीत सबसे अधिक लोगों को पसंद किया गया। मनोरंजक संगीत सबसे अधिक लोगों ने पसंद किया। ठीक है, अब देखते हैं नंबर तीन। नंबर तीन पर दिया है, यदि कोई कैसे कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक को कितनी सीडी बनाएगी। अब देखना, कुल सीडी बराबर 1000। अब 1000 का सब प्रतिशत निकालना है, बस ये तो आप जानते ही हैं। अब देख लो कैसे की उपशास्त्री, यहीं से देखो आप, शास्त्रीय का कितना है 10%, बराबर क्या करो 1000 × 10/100 है ना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, कितना हो गया 100। शास्त्रीय के लिए कितनी कैसेट बनानी पड़ेगी, 100 कैसेट। आगे चलेंगे, अब क्या है लोक संगीत, लोक कितना है 30% बराबर 1000 × 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 30 और 10 का गुणा करेंगे कितनी हो गई 300 कैसेट्स हो गई। और आगे चलो, क्या है मनोरंजक कितना है 40%, 1000 में 40/100 से करेंगे, 2 जीरो से काटेंगे कितनी हो जाएंगी 400 कैसे। और लास्ट में क्या बचा, उपशास्त्रीय कितना है 20% बराबर कितना है 1000 × 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, बराबर आ जाएगा आपका 200 कैसे। इस प्रकार से आप कैसे की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो ये लीजिए, आपको दिखने लगे। ठीक है ना, ये पहला प्रश्न इस प्रकार से कंप्लीट आपका हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। अब मैं देखो आपको दूसरा प्रश्न समझाता हूं, समझ में आ जाएगा तो फिर नहीं करेंगे, और नहीं आएगा कोई उलझन लगती है कराने में तो फिर कराने का भी प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न है, 360 व्यक्तियों के एक समूह ने 3 ऋतुओं वर्षा सर्दी और गर्मी में अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा, इनमें सबसे ज्यादा संलग्न चित्र बताया है। अब देखना, एक डायग्राम बना है, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये है आपके सामने ये प्रश्न क्रमांक 2। ये कह रहे हैं कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, स्पष्ट दिखाई दे रहा है सबसे अधिक मत कहाँ है, शीत ऋतु में 150 है। फिर कह रहा है प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए,
और इसकी सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाइएगा। यानी पहला वाला सवाल तो हमें समझ में आ गया कि शीत ऋतु वालों को 150 मत मिलेंगे, लेकिन दूसरा और तीसरा हमें समझ में नहीं आया, मतलब कोण ज्ञात करना है और पाई चार्ट बनाना है। तो आइए मैं प्रश्न क्रमांक दो को और आपको समझा देता हूं किस प्रकार से हम केंद्रीय कोण और पाई चार्ट का निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक दो, प्रश्न क्रमांक दो है और प्रश्न क्रमांक दो का सबसे पहला टेबल हमने बनाया, टेबल हम लिख बनाया, टेबल आपको दिख भी गया होगा। मैं यहाँ एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ। ग्रीष्म ऋतु है, इसके बाद वर्षा ऋतु है और इसके बाद शीत ऋतु है, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे ऋतु का नाम यानी ऋतु है, और यहाँ लिखेंगे मत, मतों की संख्या लिख सकते हैं। मत कितने, ग्रीष्म को 90 मत मिलते हैं, वर्षा को 120 मिलते हैं और शीत को 150 मत मिलते हैं। इस प्रकार से हम एक टेबल बनाते, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, तो हम लिखते हैं शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, ठीक है। अब अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक दो, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण देखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण निकालते हैं। नंबर दो, नंबर दो यानी केंद्रीय कोण ज्ञात करना है काय के, किस किस चीज के केंद्रीय कोण हमें ज्ञात करना है, तीनों के केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण। देखो अब केंद्रीय कोण में क्या होता है, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण पूरा 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 360 डिग्री का। ग्रीष्म ऋतु का मत कितने है, मान लो 90 है ना, 360/360 ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 360 से 360 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, और 360 से 360 कैंसिल हो जाएंगे तो कितने डिग्री का केंद्रीय कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का। इसी प्रकार वर्षा ऋतु का, वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण यहां ज्यों का त्यों लिखेंगे कितना, 120। क्या करेंगे, 360/360 क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 120 डिग्री का, ठीक। इसी प्रकार से शीत ऋतु का आपका कैसा हो जाएगा केंद्रीय कोण, 150, ठीक है, और 150 और 360/360 इस प्रकार ये 150 डिग्री का हो जाएगा। अब यदि हम देखते हैं इसमें है आपका क्या, पूरा पाई चार्ट तीसरे नंबर पर, ये हमारा एक और दो कंप्लीट हो गया। आइए अब हम मैं आपको बताता हूं पाई चार्ट, पाई चार्ट देखते हैं। नंबर तीन है इसका है पाई चार्ट। देखो पाई चार्ट सबसे पहले तो एक गोला होता है, पाई चार्ट पता है आपको, सबसे ज्यादा 120 कहें तो क्या है, 120 क्या है, वर्षा शीत ऋतु, सॉरी कितना है, शीत ऋतु, तो सबसे बड़ा भाग किसका हो जाएगा, शीत ऋतु का सबसे बड़ा भाग हो जाएगा। किस प्रकार, कितना है मान लो, आधे से अधिक, आधे से थोड़ा सा कम, इस प्रकार का, ठीक है। फिर आपका 120 किसका है, वर्षा ऋतु का, तो यहां लिख देंगे वर्षा ऋतु,
इसका कितना भाग है 120, तो इस प्रकार हो जाएगा। और एक जो बचा वह कितना है, कौन है, ग्रीष्म ऋतु, यहाँ लिख देंगे ग्रीष्म ऋतु। और ये कितना है 90 डिग्री, 90 है ये आपका 120 है और ये आपका 150। इस प्रकार से पाई चार्ट का निर्माण हो जाएगा। ये जो सेंटर यहाँ लिया है इसका बिल्कुल बीच में सेंटर बनेगा यहाँ, जिससे कि अपन यदि प्रकार को घुमाएं तो बराबर बराबर आएगा, यानी प्रकार से ही डायग्राम आप बना करके इसके चित्रों को बनाइएगा। अब इसमें दो सवाल और हैं, वे आप स्वयं हल करेंगे। इस प्रकार हमारा ये 5.2 कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।